सेट हो चुका है। मैं अपना स्कूटी लेके जा रहा हूँ। मेरे पिताजी खेती करते हुए ये अपना घर का आंगन है पीछे वाला, इसमें छोटा मोटा सा खेती हो जाता है खाने के लिए सब्जी वगैरह। तो ये है हमारा गांव। कभी एक बार गांव का भी बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन सब कोई एजुकेटेड है मैक्सिमम। सर्विस होल्डर भी बहुत सारे हैं। तो चल रहे हैं दादा। नमस्कार, ड्यूटी रो अच्छा। ये गांव के बच्चे लोग, ये हमारा गांव का जो लोहार होते हैं। तो अभी हम लोग निकल आए आपका रोड के साइड में, ये हाईवे 143। तो अभी हम लोग आपका चाय पी के फिर हाईवे पे अभी निकल रहे हैं। ये आपका 143 जो आपका इधर से आपका बारकोट से आपका राउरकेला जो जोड़ता है, ये वही वाला हाईवे है। काम अभी चल रहा है, आधा हुआ है और आधा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी खेती का सीजन है तो चारों तरफ हरियाली भरा हुआ है। इस साइड में भी खेती है, इस साइड में भी खेती है। और ये वाला गांव का जो तालाब है वो रिनोवेशन का काम हो रहा है कुछ। तो आज का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा बादल है। तो मैं मेरे चाचा को लेके जा रहा हूँ, थोड़ा घूम के आएंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं आगे, कुछ जगह पे मिलते हैं आगे छत में। तो ये है यहाँ से 51 किलोमीटर है आपका राउरकेला। तो कुछ दिन के बाद में यहाँ पे टोल गेट लग जाएगा, तो अभी चालू नहीं हुआ है। अभी काम ख़त्म होने के बाद शायद चालू भी हो जाएगा। सिंगल क्लास कार का 80 रुपीज। अच्छा, रिटर्न के लिए तो अभी तो फास्टैग हो गया, रिटर्न के लिए काटेगा कि नहीं पैसा। और बेकार में लेक दिया है वहाँ पे 2 लाइन्स 130 बोल के। तो यही है, ये वाला टोल गेट बन रहा है अभी। तो अगले कुछ महीने में शायद इसमें टोल गेट पैसा कटना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका दर्जिंग। तो थोड़ी दूर के आगे हम लोग को लेफ्ट में कटना होगा। वैसे ये लगभग 1 साल हो गया आपका खोलते खोलते ब्रिज, लेकिन मैं आ जाऊंगा काल आऊँगा बोल के आ नहीं पाया था कभी। आज मौका मिला है तो आ गए हैं। मेरा चाचा भी यही गांव पे रहते हैं, वो भी नहीं देखे बोले। तो यहीं कहीं पे कटना होता है। अच्छा,
अच्छा ये है, हाँ यहीं पर होगा सर, तो ये रालकला और ये वाला और ब्रिज की तरफ जाएगा। आई बी पहुंच के यहाँ से किधर जाना है भाई, लेफ्ट या राइट? मेरे ख्याल से राइट होगा, इनको थोड़ा पूछ लेते हैं। तो ब्रिज टा को ऊपर अच्छे ब्रिज ब्रिज इटी अच्छा, तो ये है बंगलो आईबी और इधर आपका नया वाला ब्रिज आरआई ऑफिस और ये गांव में अंदर घुस के अच्छा पहुंच गए। तो ये वाला ब्रिज एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद हुआ है। तो इस तरफ जो गांव सब है ना, तो बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता था, उधर से गुरुंडिया होते हुए घूम के जाना पड़ता था। तो अब इधर से होने से उस साइड का गांव सब बहुत ही आसानी से 8-10 किलोमीटर पहुंच जाते हैं और वो नीचे तरफ बहुत ही अच्छा व्यू आता है, पर मैं उधर भी आता है। चलिए तो ब्रिज पे आ गए हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा घूम के फिर रिटर्न जाएंगे। फ्रेंड मैं छोटी उम्र से उन्हीं के साथ में रहा हूँ। तो चाचा ये गांव में रहते हैं ना, तो इनको थोड़ा पता होगा उस तरफ कौन से गाँव, इधर कौन से गांव है? अच्छा अच्छा अच्छा, और ये वाला उसमें भी जोड़ता है क्या, जो गुरुंडिया होते हुए जो रोड जाता है रालकला में, उसी में जोड़ता है ना ये? अच्छा ये तब ये पूरा शॉर्टकट है। तो चलते हैं थोड़ा दूर आगे, कुछ अच्छा नज़ारा मिलेगा तो घूम जाएंगे इधर से, ठीक है? अभी हम लोग थोड़ा ड्रोन उड़ाने का चक्कर में थे, लेकिन पता नहीं वो सपोर्ट किया नहीं आप, तो मैं उसको डिलीट मार दिया फिर, और नहीं हो पाया और क्या, तो इसलिए थोड़ा ड्रोन उड़ा नहीं पाए। और रोड के इस पार में आपका लुधुणी गांव है, तो यही है। तो हम लोग और उधर नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न चलेंगे अपना घर फिर से। बच्चे लोग आपका कांटे में मछली पकड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का छोटा वाला ब्लॉग,
जो कि आपका ब्राह्मण ब्रिज के ऊपर में कुत्ते की उधर था तो ये था हम लोग का आज का छोटा सा एक ब्लॉग जो नया ब्रिज बना हुआ है आपका दर्जिंग के पास में। तो यही है, बहुत ही अच्छा उस तरफ सीनरी था लेकिन ड्रोन थोड़ा उड़ा नहीं पाया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना बस। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।